ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्ला। बेहद हम्द व सना अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु व आज़म शानहु की ज़ात के लिए लामहदूद दुरूद पाक हुज़ूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की ज़ात पाक पर। इसके बाद काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों, जैसा कि आपको मालूम है कि जुमा का दिन अल्लाह करीम ने इस उम्मत के लिए ख़ास इबादत का दिन मुतय्यन फरमाया है, तो जिस तरह इस उम्मत के नबी अफजलुल अंबिया हैं, इसी तरह जुमा का दिन अफजलुल अय्याम है। तमाम दिनों से जुमा का दिन अफजल है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत खैरे उम्मत है, सारी उम्मतों से बेहतर है। इसलिए खैरे उम्मत को चाहिए कि वो खैरुल अय्याम अफजलुल अय्याम जुमातुल मुबारक की कमा हक़ुहु कदर किया करें और इसकी नमाज जुमा की आमियत के पेश नज़र अल्लाह करीम ने इस सारे दिन को बरकत वाला बना दिया है। और बतौर ख़ास इसमें आपने सुना फ़ज़ाइल यौम जुमा के अंदर कि जुमा के अंदर एक घड़ी ऐसी होती है जो अगरचे कलील घड़ी होती है लेकिन अल्लाह के यहाँ वो मकबूल घड़ी है और उस घड़ी में बंदा मोमिन जो भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह करीम ने लैलतुल कदर रख कर रमज़ान की इज्जतों को और ज़्यादा कर दिया, इसी तरह जुमा के दिन में अल्लाह ने वो कबूलियत की घड़ी रख कर इसकी अजमतों को और ज़्यादा कर दिया। जुमा के दिन बरकतों की इस घड़ी का जिक्र हो चुका हमने आपके सामने किया, लेकिन इसका जिक्र पहली आसमानी किताबों में भी मौजूद था।
तो माफ फरमाते हैं अगरचे चूँकि ये घड़ी कलील होती है, हर एक को मुयसर नहीं आती, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए जिस तरह लैलतुल कदर तलाश करने के लिए बाज़ अहले मोहब्बत और अहले ज़ौक रमज़ान के आखिरी अशे की ताक रातों को जागते हैं ताकि किसी वक्त लैलतुल कदर नसीब हो जाए। इसी तरह अहले ईमान को चाहिए कि जुमा की ये मकबूल घड़ी पाने के लिए सारे जुमा के दिन को ख़ास जिक्र और इबादत का दिन बना डालें। इसीलिए हमारे असलाफ, हमारे पहले मुसलमान बुजुर्ग जुमातुल मुबारक के लिए कोई अहम काम बाकी नहीं रखते थे। जुमेरात को कपड़े तैयार कर लेते, जुमेरात को जुमा की तैयारी कर लेते और सुबह से ही जूं ही ये मुबारक दिन शुरू होता इसके लिए खसूसी इबादत का एहतमाम और खसूसी तौर पर इसके लिए कमर बस्ता हो जाता। रात मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की फजर की नमाज में ख़ास सूरतें तिलावत फरमाते थे। सूरह अलिफ लाम मीम सजदा 21वें पारे में है, 3 रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम आप सबको भी हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब करे, मुझे भी नसीब फरमाए। हम वहाँ जाते हैं तो मदीना शरीफ में बतौर ख़ास जुमातुल मुबारक के दिन वही सूरतें तिलावत की जाती। चूँकि मस्जिद नबवी है, हजूर का मज़ार पुरानवार करीब है और वो एक बाबा जी इमाम साहब हैं, वो बड़ी रिधम के साथ 3-3 रुकू एक रकात में पढ़ जाते हैं। अब सूरह अलिफ लाम मीम सजदा 3 रुकू हैं और वो पढ़ते हैं। चलो आम लोगों को तो नहीं, लेकिन वो चूँकि अक्सर अरबी लोग होते हैं और हाजरीन में बहुत से उलमा फुजला हुफाज होते हैं तो एक अजीब वहाँ मदीना शरीफ में समा बन जाता है। तो इसी तरह गोया आगाज़ जुमा से ही इसका ख़ास एहतमाम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा और सूरह अद्दाहर फजर की नमाज में और जुमा की नमाज में और कभी कभी फजर में सूरह जुमा और सूरह मुनाफ़िकून भी तिलावत फरमाते। अब अगर हमारे अंदर ज़ौक हो, जो लोग कुरान पढ़े उन्होंने ये सूरतें शौक़ से याद करनी चाहिए कि ये सूरतें हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पढ़ा करते थे और इनमें और भी ख़ास फ़ज़ाइल हैं इन सूरतों में। बहरहाल और जुमा के मौका पर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सूरह अल आला सब्बिह इस्मे रब्बिकल आला ये तिलावत फरमाते, हल अता का हदीसुल गाशिया ये तिलावत फरमाते। तो इस तरह इस दिन को आप देखें ना कुरान करीम में क्या आया, जब आज़ान हो फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, तो एहतमाम के साथ अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आओ और अल्लाह का सबसे अफजल ज़िक्र कुरान करीम है। कुरान करीम एक हदीस पाक है, आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए फराइज़ के बाद सबसे अफजल इबादत तिलावत कलामुल्लाह है। फ़राइज़ तो फ़राइज़ हैं, ज़ोर की नमाज फ़र्ज़ है, असर की फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ जिस आदमी पर है, फ़राइज़ अपनी जगह, लेकिन उनके बाद गोया फ़राइज़ के बाद इस उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा अफजल इबादत तिलावत कलामुल्लाह है। मैं अमूमन तवज्जो दिलाता हूँ मस्जिद मेरे हमजा के नमाजियों को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। कुरान करीम आज हम भूल गए, हम कुरान करीम नहीं पढ़ते। मेरे पास बहुत से मर्द औरतें आती हैं दम करवाने, मैं अमूमन कोशिश करता हूँ कि इन्हें कोई ना कोई हदीस पाक या कुरान करीम, अब हदीस तो आम आदमी को नहीं आती लेकिन कुरान करीम तो आता होता है, और अगर पूछा जाता है आपको कुरान आता है तो अक्सर जवाब मिलता है मैं तो कुरान पढ़ा ही नहीं हूँ। औरतें जवाब देती हैं हमने कुरान नहीं पढ़ा, तो किस कदर अलमिया है कि तेरे रब का जो कलाम है वो नहीं आता, और जिन लोगों को आता है उन्हें कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। तो इस हवाले से चूँकि इस उम्मत के लिए फ़राइज़ के बाद अफजल इबादत तिलावत कुरान हकीम है, इसलिए जुमा के दिन के साथ ख़ास ख़ास सूरतों की मुनासबत रखी गई। और इन दिनों में
चंद सूरतें पढ़ने की खास फजीलतें। सबसे ज्यादा जिस सूरत का जिक्र आया जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ने का, वो सूरह काफ है। इसमें असाबे काफ का वाकया है। इसके अंदर खास खास वाकयात हैं। हजरत मूसा और हजरत खिजर की मुलाकात का जिक्र है, इसी तरह हजरत ज़ुल्क़रनैन का जिक्र है। ये सारे वाकयात अल्लाह की अजमत, अल्लाह की कुदरत और किबरियाई पर दलालत करते हैं। असाबे काफ चंद नौजवान लड़के थे, जिस तरह आज की मादियत के माहौल में कलील लोग वो होते हैं और खसूसन जवान जो अपने आप को दीन के लिए वक्फ करते हैं। वो चंद नौजवान अहले तौहीद थे, अल्लाह की वादानियत के कायल थे और बादशाह वक्त काफिर था और वो अपनी इबादत वगैरह और कुफर को फरोग देता था। ये डट गए अल्लाह पर ईमान लाने में, तो उन्होंने इनको गिरफ्तार करने के लिए प्रोग्राम बनाया। तो ये चंद नौजवान जो अल्लाह का नाम लेने वाले थे उस कुफर की बस्ती में, वहां से अल्लाह के तवक्कुल पर निकले और डरे डरे के बादशाह लोग, पूरा मुआशरा खिलाफ है और हम चंद बंदी अल्लाह की अजमत व तौहीद के कायल हैं, लेकिन अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह करीम उन्हें एक गार में लाए, वहां सुला दिया और उस मुआशरा में कब्र की जिंदगी का इस बात का सख्त इनकार था कि मरने के बाद बंदा दोबारा कैसे उठेगा। लिहाजा अल्लाह करीम ने उन लोगों को दिखाया, वो असाबे काफ गार में गए, सो गए, अल्लाह ने सुला दिया। 300 साल और 9 ऊपर, 309 साल वो सोए रहे। बादशाह खत्म, उसका नाम खत्म, उसका निजाम खत्म। 309 साल के बाद ये लोग जागे और जागकर एक साथी को भेजा, बाजार से खाना ले आओ। उन्होंने जब सिक्का देखा तो 309 साल कबल का सिक्का उन्होंने पकड़ लिया। तुम कौन हो? फिर बात खुली तो बता दिया कि तुम तो मरने के बाद दोबारा अल्लाह के जिंदा करने की कुदरत पर एतराज करते हो, हमने दुनिया में तुम्हें ये मंजर दिखा दिया। ये सूरत बड़ी अजमत वाली है, इसीलिए आपके और मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी पहली 10 आयतें पढ़ा करे या आखिरी 10 आयतें पढ़ा करे, वो आदमी महफूज रहेगा फितनों से। हत्ता के अगर दज्जाल भी आ गया, अल्लाह ये कलिमात पढ़ने वाले को महफूज फरमाएगा। ये सूरह काफ, इसकी पहली 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें, ये बतौर खास एहतमाम की आयात हैं। और सारी सूरत के बारे में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, फरमाया जो आदमी सूरह काफ तिलावत करेगा जुमा की रात को या जुमा के दिन को, इसमें एक देखें आसानी है। हुफाज तो जानते हैं कि सूरह काफ लंबी है, तकरीबन 3 पाव है। अब आम आदमी के लिए ये सूरत पढ़ने के लिए काफी टाइम चाहिए, तो हमारे रहमतों वाले रसूल ने पढ़ने का टाइम भी बढ़ा दिया और फरमाया जो आदमी जुमा की रात को या जुमा के दिन को सूरह काफ तिलावत करेगा, अल्लाह उस बंदे के लिए उसके कदमों से लेकर आसमान तक एक नूर पैदा फरमा देगा। और वो नूर जब क्यामत की मुश्किल घड़ियों में हर जानब जुल्मत होगी, अंधेरा होगा और लोगों पर वहशत तारी होगी, सूरह काफ पढ़ने वाले के लिए यही नूर क्यामत में काम आएगा। इसी तरह एक और हदीस पाक में वो हदीस कुछ इस तरह है, फरमाया जो सूरह काफ जुमा की रात या जुमा के दिन को पढ़ा करेगा, उस बंदे से लेकर काबा तक अल्लाह एक नूर मुकद्दर फरमा देगा और उस बंदे को वो नूर अल्लाह करीम क्यामत के दिन नसीब फरमाएंगे। इस तरह मुख्तलिफ अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह काफ जुमा के दिन पढ़ने के बारे में इरशाद फरमाया, तो गोया
इस दिन जैसा मैं कर रहा हूँ, खास इस दिन का मकसद है अल्लाह का जिक्र। बोलिए क्या? पहले फरमाया इजानु दियाल सलात मियो मिल जुमा फसाओ इला जिक्रिल्ला। जब जुमा की आजान हो जाए जल्दी अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ। अब नमाज भी जिक्रुल्ला, खुतबा भी जिक्रुल्ला, जुमा का सारा दिन अल्लाह के जिक्र के लिए। फिर फरमाया फैजा को दिया तिस्सलात फंतशिरु फिल अर्द वबतगु मिन फदलिल्लाह। ऐ उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम पर करम किया, पहली उम्मतें अपना खास इबादत वाला दिन सारा दिन इबादत करें और कोई काम ना करें। यहूदी सारा हफ्ता का दिन इबादत में गुजारें, ईसाई इतवार का दिन इबादत में गुजारें, लेकिन तुम मेरे रसूल रहमत की उम्मत हो, मैं तुम पर खास रहमत करूंगा। कारोबार पर कोई पाबंदी नहीं, काम काज करो, हाँ इतना जरूर करो जब पहली आजाने जुमा हो जाए सारे कारोबार बंद हो जाए। उस वक्त अपनी दुकानें मामला समेट लो और कोई भी ऐसा काम, इवन के कोई दीन की किताब का मुताला करने से भी अगर जुमा की हाजरी मुतासर होती है तो अजान जुमा के बाद दीन की किताब का भी मुताला न करो। फसाओ इला जिक्रिल्लाह, जल्द अल्लाह के घर में आ जाया करो। इसका लफ्जी माना तो है दौड़ कर अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ, इसका माना है इहतिमाम शान के साथ गुसल करो। जुमा के गुसल की बड़ी फजीलत है। फिर अच्छे और साफ और बेहतर कपड़े, और सबसे बेहतर कपड़े सफेद हैं, अल्लाह को भी पसंद हैं, अल्लाह के हबीब को भी पसंद हैं। क्योंकि जुमा मुसलमानों का ईद का दिन है, अच्छे कपड़े पहनकर खुशबुएं लगाकर अपने आप को महकाकर अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, जुमा के दिन का खास टारगेट अल्लाह का जिक्र है। बोलिए क्या है? और फिर फरमाया जब जुमा पढ़ लो, पहली उम्मतों की तरह तुम पर कोई पाबंदी नहीं कि शाम तक मस्जिद से ना निकलो, हाँ बैठो अपने काम समेट कर जुमा का दिन इबादत के लिए वक्फ करो, बहुत ज्यादा सवाब है। इसके अलग फजाइल आए हैं, लेकिन ये नफली चीजें मैं उनको ज्यादा नहीं बयान करता। मेन चीज जब जुमा पढ़ लो, फरमाया वक्त वो मिन फदलिल्लाह, अपने कारोबार करो, दुकानें खोलो, मामलात करो, जो करना चाहो, तो ये उम्मते मुस्तफा पर अल्लाह की खसूसी शफकत मेहरबानी है कि पहली उम्मतें सारा दिन इबादत में मसरूफ रहें, उम्मते मुस्तफा सिर्फ जुमा पढ़ ले, इजाजत है जो चाहो करो। लेकिन फरमाया ये देखो वज़कुरुल्लाह, वज़र फरमाया वक्त वो मिन फदलिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र किया करो, क्योंकि ये दिन बतौर खास तुम्हारे लिए रखा गया है। और जिस अल्लाह ने तुम पर इतना करम किया कि सारा दिन पाबंदी लगाकर पाबंद नहीं किया, उस रब को भूल ना जाओ, बल्कि इस दिन उस रब को खास तौर पर ज्यादा याद करो, ज्यादा जिक्रुल्लाह करो, अल्लाह का जिक्र ज्यादा करो। तो गोया जुमा के बाद भी अल्लाह के जिक्र की तरगीब है। अब हम तिजारत कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, अगर हमारी जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी रहे तो कितना प्यारा है। एक और बात यहाँ काबिले गौर है, जुमा के दिन मैं कर रहा हूँ, अल्लाह का जिक्र मेन चीज है और जिक्र का बेहतरीन अंदाज तिलावत कलामुल्लाह है। लेकिन जिक्र क्यों? एक बात उलमा ने ये बड़ी प्यारी जिक्र की कि जुमा के दिन ज्यादा जिक्र करने का हुक्म क्यों, और दोनों जगह जिक्रुल्लाह जिक्रुल्लाह का लफ्ज है, अल्लाह की याद, अल्लाह को याद करो। इसकी वजह यह है कि हदीस पाक में आया क्यामत का दिन भी जुमा को होगा, जुमा को क्यामत वाकया होगी। इसीलिए हदीस पाक में आता है जूं ही जुमा की सहरी सुबह सादक तलू होती है, कोई जानवर ऐसा नहीं जो नहीं डरता कि कहीं आज का दिन ही क्यामत का दिन ना हो। जानवर तो डरते हैं जुमा के दिन अल्लाह से कि आज क्यामत का दिन शायद हो, लेकिन इंसान है पता ही नहीं है।
लेकिन अगर बताया जा रहा है इस चीज को जीन में रखें, जुमा का दिन गोया, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह का जिक्र का कसरत से हुक्म क्यों दिया गया, इसलिए कि फरमाया क्यामत इसी दिन आएगी, अपने जिंदगी के जुमों को अल्लाह के जिक्र से आरास्ता कर लो, इसकी बरकत ये होगी। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान नसीब होता है। अगर अपनी जिंदगी के जुमे खुदा के जिक्र में कर दोगे, गोया यूं समझो अगर अपने जुमे अपने मालिक के नाम कर दोगे, तो क्यामत की हौलनाकियां इस जिक्र की वजह से अल्लाह ताला तुम पर आसान फरमा देगा। और फिर जिक्र की आला किस्म, जैसा मैंने अर्ज किया जिक्र इबादात में आला चीज तिलावत कलामुल्ला है, इसलिए इस दिन ज्यादा सूरतें और कलामुल्ला पढ़ने का सुन्नत है। जरूरी नहीं है कोई नहीं पढ़ता, कोई गुनाहगार नहीं है, लेकिन बख्त वालों के लिए रसूलुल्लाह ने ये दरवाजे खोल दिए। और अभी आपने सुना कि जो आदमी जुमा की रात या दिन को सूरह काफ की तिलावत करता है, अल्लाह उसके लिए एक नूर मुकद्दर फरमा जो नूर उसको क्यामत में रहनुमाई करेगा। और अल्लाह करीम ने अपने बंदों का जिक्र कुरान करीम में किया, फरमाया नूर हुम यासा बैनाईदीहिम वावे ऐमानेहिम। जब अल्लाह के खास बंदे क्यामत में आएंगे, दुनिया जुल्मत में टामक टोइयां खा रही होगी, लोग अंधेरों की वहशत में गिरफ्तार होंगे, लेकिन अल्लाह रसूल को याद करने वालों का हाल ये होगा, उनके आगे भी नूर, नूर हुम यासा बैना ऐदीहिम वबे ऐमानेहिम, आगे भी नूर, दाई जानब भी नूर, और वो इसी नूर की मस्ती में कहेंगे मौला इसमें बड़ा सुरूर आया, मालिक करम कर क्या कहेंगे, नूर हुम यासा बैना ऐदीहिम वबे ऐमानेहिम यकूलो न रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ मालिक करीम आज हम पर अपने नूर वाली नेमत मुकम्मल फरमा दे। वो नूर सूरह काफ की तिलावत से मिलेगा, कुरान करीम की तिलावत से मिलेगा। एक और हदीस पाक में आता है, मन तला आयतम मिनल कुरान कानत लहु नूर यौमल कियामा औ कमा काला अलैहि सलाम, मेरे आका ने फरमाया जो कुरान की एक आयत भी इखलास से पढ़े ना, ये आयत की तिलावत उसके लिए क्यामत के दिन नूर बन जाएगा, अल्लाह उसको नूर अता करेगा। तो बरादरान ग्रामी कदर, सूरह काफ जुमतुल मुबारक के खास वज़ाइफ में हदीस पाक में जिक्र आता है। इसी तरह सूरह यासीन हर दिन पढ़ने का हुक्म है कि जो आदमी हर दिन के आगाज में सूरह यासीन पढ़ लेता है, अल्लाह करीम उसके दिन के कामों के लिए अपने बंदे को काफी हो रहता है। यानी सूरह यासीन अव्वले दिन में पढ़ना, ये हमारे मुआमलात में मुआमनत और स्पोर्ट साबित होती है। और फिर जुमा का दिन तो बतौर खास अल्लाह के दिनों में अफजल है, इसलिए सूरह यासीन की भी तिलावत इस दिन अगर की जाए तो गोया उस तिलावत कलामुल्ला और जिक्रुल्ला में और इजाफा हो जाएगा। और बतौर खास हदीस मुबारक में सूरह हामीम अद्दुहान जो 25वें पारे में है और सिर्फ 3 रुकू है, इसका भी पढ़ने का हुक्म दिया। तो जब मैंने ये सारी हदीस पढ़ी तो इनकी मैंने जब अपने जेहन में कैलकुलेशन की तो ये जेहन में बात आई कि जुमा का चूंकि खास मकसद है फसाओ इला जिक्रिल्ला वज़कुरुल्लाह जिक्रन कसीरा, और अल्लाह के जिक्र की बेहतरीन सूरत जिसमें किसी गलती का भी कोई शायबा नहीं, वो अल्लाह का कलाम तिलावत कलामुल्ला ही है, इसलिए इस दिन बतौर खास एहतमाम करना चाहिए। अब जेहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, सूरह काफ तकरीबन 3 पाव है, एक आदमी का आधा घंटा लगेगा, घंटा लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं अगर दुनिया का कोई ऐसा मौका हमारे लिए मुयस्सर आए कि जी आप अल खिदमत में दरख्वास्त दें, वो बगैर सूद के आपको कर्जे देंगे, तो वहां लाइनें लग जाएंगी कर्ज लेने के लिए कि जी बिला सूद कर्ज मिल रहा है, चलो मेरा कारोबार बन जाएगा। एक दुनियावी काम के लिए जितना टाइम निकालते हैं, आज अगर सूरह काफ के लिए इतना टाइम निकालें हर जुमा, तो यकीनन फिर जुमा क्यामत को आएगा और इससे मिलने वाला नूर क्यामत में काम आएगा। तो क्या क्यामत की तैयारी होगी कि नहीं होगी?
और इस बारे में एक और वजाहत यह है कि जब एक बंदा बार बार पढ़ता है तो अल्लाह करता है उसको याद हो जाती है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज नहीं, लेकिन जब एक मर्तबा मैंने इस हदीस पाक की फजीलत पढ़ी तो मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरह काहफ मुझे याद है। और मैं अपने बच्चों को अमूमन सुनाकर इसलिए पढ़ता हूँ उन्हें भी शौक पैदा हो, उनको भी पता चले कि जुमा के दिन ये सूरत एहतमाम के साथ पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में आया। तो जुमा के खास आमाल जो हैं उनमें ये है कि इन सूरतें सूरह यासीन, सूरह अद्दुहान और सूरह काफ अगर आप अपना टाइम निकाल सकें या तवज्जो तो इन्हें पढ़ना चाहिए। इसी तरह जुमा के दिन के अंदर टाइम होता है हर आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें ना अब जितने आदमी आप आए बैठे यकीनन इस वक्त से तकरीबन एक घंटा पहले आप जुमा के लिए तैयार हो गए होंगे, काम रोक दिए होंगे, गुसल किया होगा, तैयारी की होगी। अल्लाह की कसम करम का आलम यह है कि उलमा ने तिर्मिज़ी शरीफ के हवाले से हदीस नकल की है जो बंदा ए मोमिन जुमा के लिए गुसल करके तैयारी करके अल्लाह के घर की तरफ कदम उठाकर मस्जिद में आता है उसका मस्जिद तक आना एक साल के रोजे के बराबर अहले ईमान को रब सवाब अता फरमाता है। इस दिन की इतनी बड़ी अहमियत है अल्लाह की बारगाह में जो इसकी कदर करते आपके ही पड़ोसी होंगे जिन्हें पता ही नहीं जुमा चीज क्या है, आपके ही भाई होंगे जिन्हें जुमा नसीब नहीं होगा। मैं इसलिए तीन जुमों से ये बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि ये अहम तरीन दिन अल्लाह ने जो हमें बतौर इनाम अता फरमाया, अब अल्लाह हमें बतौर इनाम दे, बताएं हमें इसकी कदर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमें इसका ख्याल और एहतमाम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बल्कि जुमेरात से इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैंने रात को भी तफसील से जिक्र किया कि जुमा की रात भी बरकत वाली है, जुमा का दिन भी बरकत वाला है और इसके खास कामों में ये होना चाहिए कि अगर टाइम हो नमाज तस्बीह पढ़ लेनी चाहिए। नमाज तस्बीह देखें आम हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि खुद सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अस्सजदा जुमा की नमाज में फजर अमूमन तिलावत फरमाया करते और दूसरी रकात में सूरह अद्दार। अब वफात से पूछें सूरह अद्दार दो रकू है, सूरह सजदा तीन रकू है, वह पांच रकू सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाते अक्सर, सहाबा किराम भी इसी तरह करते, बल्कि हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में आता है कि आप फजर की नमाज में इतनी लंबी करात करते कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर तकरीबन फजर की नमाज में सवा पारा कुरान तिलावत फरमाया करते। और सहाबा हमारी तरह मुक्तदी नहीं थे कि बाजू सर पर रख लें, जी हमें मार दिया इतनी लंबी क़याम करा दिया, सहाबा किराम शौक़ो शौक़ से आते। हजरत सिद्दीक अकबर को खास कुरान करीम में उबूर हासिल था, बड़े अजीब अंदाज में पढ़ते। मैं बात मेन ये कर रहा हूँ कि हमें जुमा के दिन टाइम निकालना चाहिए और इस दिन की रहमतों को समेटना चाहिए। और मैं ये कर रहा हूँ अमूमन हम क्या होते हैं, अब देखें हम रुकों में कितनी मरतबा सुबहाना रब्बी अल अज़ीम पढ़ते हैं, बोलिए और वो भी ऐसा कि एक जाते एक उठते और एक सुकून से पढ़ते, हालांकि इजाजत है तीन की बजाय पांच मरतबा पढ़ें, सात मरतबा पढ़ें, सुकून से पढ़ें, लेकिन हम तो आते ही टाइम जल्दी में आया वुजू किया इधर टुखना खुश्क रहा उधर कोनी खुश्क रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मुद्दा है जिसमें जिस आदमी की वुजू में एड़ियां खाली रह जाती हैं यानी खुश्क रह जाती हैं वहां जहन्नम की आग पहुंचेगी। हम तो आते ही ऐसी जल्दी में है ना, इस तरह नमाज का मामला इतनी जल्दी पढ़ते हैं, न रुकू का करार न सजदे का करार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास सजदे तो इतने लंबे होते थे कि सहाबे किराम परेशान हो जाते थे कि कहीं हुजूर की रूह तो नहीं कब्ज हो गई, लेकिन अमूमी हालात में भी बड़े सुकून से। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आम हालात में हम तस्बीहात लंबी नहीं पढ़ते, लेकिन अगर नमाज तस्बीह पढ़ें तो एक रकात में 75 मरतबा हमें वो कलिमात पढ़ने नसीब होंगे जिन्हें अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। और वो तस्बीह है सुभान अल्लाह, पढ़िए सारे सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और एक हदीस पाक में आया जब बंदा ए मोमिन ये कलिमात एक मर्तबा पढ़ता है अल्लाह उस बंदे के लिए जन्नत में दरख्त लगा देता है, और क्यामत के दिन जब और साया नहीं होगा
तो बंदे को जी उसकी तस्बीह वाला दरख्त साया मुहैया करेगा। अब आप देखें 75 मरतबा हम नमाज तस्बीह की एक रकात में ये तस्बीह पढ़ते हैं। मैं बात ये कर रहा था आम हालात में हम लंबी तस्बीहात नहीं पढ़ते, रुकू में 3 पढ़ते हैं बड़ी मुश्किल से, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, सजदे में भी 3 ही पढ़ते हैं, लंबी नहीं करते। चलो लेकिन नमाज तस्बीह में हमें अल्लाह की तस्बीह की एक मौका मिल गया। हदीस पाक एक और हदीस पाक सुन ली इन्हीं कलिमात के बारे में, मेरे आका ने फरमाया बाकियातु सालिहात ऐसी नेकियां जो कभी खत्म नहीं होंगी और तुम्हारे लिए बाकी रहेंगी वो हैं सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये ऐसी तुम्हारी नेकी है जो जाया नहीं होगी, जितनी मर्तबा तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे मुंह से ये कलिमात निकलेंगे खुदा के रहमत के खजाने में जमा हो जाएंगे और अल्लाह गिन गिन कर क्यामत के दिन इसका तुम्हें बदला और अजर अता फरमाएगा। तो नमाज़ी तस्बीह भी जुमा के दिन हदीस पाक में ये नमाज़ी तस्बीह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुतलब नबी पाक के चचा जान है फरमाया ऐ मेरे चचा क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं अगर तुम वो कर लो अल्लाह तुम्हारे जिंदगी के पिछले गुनाह भी माफ कर देगा, अगले गुनाह भी माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारे मालूम गुनाह भी माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारे गैर मालूम जो तेरे इलम में नहीं वो भी माफ कर देगा, अल्लाह वो भी माफ कर देगा जो तूने जानबूझकर गुनाह किए, अल्लाह वो भी माफ कर दे जो तुमसे खताअन और सहवन हो गए, अल्लाह वो भी तेरे गुनाह माफ करे जो छोटे हैं वो भी गुनाह माफ करे जो बड़े हैं। जब ये फजीला सुनी हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के चचा जान का दिल बाग बाग हो गया, या रसूल अल्लाह फरमाइए वो कौन सा अमल है जो मैं करूं अल्लाह मुझ पर करम करेगा और ये मेहरबानी करेगा। फरमाया ऐ मेरे चचा जान नमाज तस्बीह हो सके तो हर रोज पढ़ी करो, अगर हर रोज ना हो सके तो हर जुमा को पढ़ लिया करो, अगर हर जुमा में भी ना पढ़ सको तो हर माह में एक मर्तबा पढ़ लो, हर माह में भी ना हो सके जिंदगी में एक मर्तबा पढ़ लो। गोया सरकार ने नरमी आसानी भी दे दी, फजीलत भी बयान फरमा दी और उसी फजीलत के अंदर फरमाया हो सके तो हर जुमा को पढ़ो। तो उलमा कहते हैं गोया जुमा के खास अमाल में अगर मुमकिन हो तो नमाज तस्बीह भी पढ़ी जाए और फिर तस्बीह नवाफिल है, इजाजत है, अगर कोई बीमार है खड़ा नहीं हो सकता तो बैठकर पढ़ ले, अगर चार इकट्ठी नहीं पढ़ सकता दो दो पढ़ ले। और ये बहुत बड़ी फजीलत वाली ये नमाज है, ये भी जुमा के खास अमाल में रखी गई है कि अगर उस दिन तो जुमा ऑलरेडी जैसा कि मैंने अब कितनी बड़ी नेकबख्ती है अगर कोई आदमी यही नवाफिल पढ़ रहा हो और वो मकबूल घड़ी आ जाए जिसके बारे में मेरे करीम ने फरमाया बंदा मोमिन उस लम्हे जो अल्लाह से मांगे वही कबूल हो जाए। अब उस लम्हे अगर आप रब की तस्बीह बयान कर रहे हैं तो अल्लाह कितना राजी होगा कि मकबूल घड़ी में मेरा बंदा मेरी तस्बीहें बयान कर रहा है। तो इस हवाले से उलमाए किराम ने फरमाया जुमा के दिन के आमाल में एक खास अमल जो है वो ये भी है। इसी तरह एक और हदीस पाक में आया जिस आदमी ने चार काम किए जुमा के दिन अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। उन चार कामों के अंदर एक तो नमाज जुमा है कि जिसने नमाज जुमा पढ़ी और तीन और बातें उनमें एक ये है कि जिसने जुमा के दिन रोजा रखा, जिसने जुमा के दिन किसी मरीज की तीमारदारी की और जिसने जुमा खुतबा वगैरह सुना। तो अब गोया इस दिन इन खास बातों की तरफ इशारा उलमा फरमाते हैं गोया बताया गया। अब एक बंदा मोमिन की तीमारदारी बहुत बड़ा सवाल है, किसी मुसलमान भाई की बीमार पुरसी करना ये बहुत बड़ा इंदल्ला महबूबा क्योंकि बीमारी में घबराहट परेशानी उकताहट होती है। एक बंदा है मोमिन जब अपने भाई की बीमार पुरसी करता है अल्लाह कितने राजी होते हैं, और अपने मुसलमान भाई की बीमारी का इल्म होने के बावजूद अगर कोई कोताही करता है तो अल्लाह उसे कितना एहसास दिलाएगा। हदीस पाक में आता है क्यामत के दिन जब बंदा अल्लाह की बारगाह में आएगा ना तो हदीस
इसके अल्फाज ये हैं कि ऐ मेरे बंदे जवाब दे, मरीज तो मैं बीमार हुआ, मैं बीमार हुआ, वलम तो इतनी और तूने मेरी इयादत नहीं की, क्यों नहीं आई। हदीसे पाक में आता है बंदा कहेगा या रब्बे सुबहाना का, ऐ मालिक तू तो पाक है, तुझे बीमारी कैसे आ सकती है, तू बीमारियों से मावरा है। तो सुने अल्लाह करीम, हदीसे पाक में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सवाल, ये इस्तिफाम, ये एक यानी कैफियत पैदा करके अल्लाह उसको फरमाएंगे, ऐ बंदे फला बंदा ए मोमिन बीमार हुआ तेरे इलम में था, अगर तू तीमारदारी के लिए जाता तो मुझे वहां पा लेता। अगर तू अपने मुसलमान भाई की बीमार पुरसी के लिए जाता मुझे वहां पा लेता। इसकी मुहद्दिसीन ने शरह ये की, इसका मतलब ये है कि अगर तू अपने मुसलमान भाई की बीमार पुरसी के लिए जाता और ये बीमार पुरसी खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए होती तो तू मुझे राजी पा लेता, मैं तुझ पर राजी हो जाता। इतनी बड़ी आमियत है। तो गोया जी जुमा का दिन, इस दिन कोई भी नेकी करना अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम रखता है। एक मैं वजाहत कर दूं, जुमातुल मुबारक के रोजे के बारे में इस हदीस पाक में जिक्र आया, लेकिन ये मसला खूब समझ ले, अकेला जुमा का रोजा रखना मना है। वो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में बाकायदा तौर पर सिर्फ जुमा का रोजा रखने से मना फरमाया। इसकी कई वजूहत हैं जो उलमा ने जिक्र किया, हुजूर के हदीस में तो इतना है, लेकिन उलमा ने फरमाया एक वजह यह है कि इस दिन चूंकि बंदा ए मोमिन इबादत का एहतमाम ज्यादा करता है लिहाजा रोजा न रखे ताकि फ्रेश होकर बाकी अल्लाह की इबादत अच्छे अंदाज में अदा कर सके। और कोई भी इबादत जितनी अच्छा बंदा बेदार मर्जी से करता है इतना ज्यादा अल्लाह को पसंदीदा है। इसे पाक में आता है अल्लाह गाफिल दिल की बात नहीं सुना करता, अल्लाह गाफिल दिल की बात नहीं सुना करता। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह का जिक्र इंतहाई चुस्ती के साथ, जौक के साथ, मोहब्बत के साथ करना चाहिए। तो इसलिए उलमा ने फरमाया कि सिर्फ जुमा का रोजा मना है, लेकिन अगर एक आदमी की रूटीन है, मसलन अगर वो तीन रोजे रखता है, 13, 14, 15, ये अय्यामे बीद होते हैं, इन दिनों में दिन भी रोशन, रात भी, 13, 14, 15 रात को चांद मौजूद रहता है और दिन वैसे रोशन होता है, और ये रोजे हमारे जद्दे आला जनाब आदम अलैहिस्सलाम को मिले। अल्लाह करीम ने जब जन्नत से यहाँ उतारा, पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रंग इंतहाई गंदम ही खूबसूरत था, उजला रंग था, यहाँ आए रंग में थोड़ी सी तब्दीली आई, आपने शीशा देखा, आप परेशान हुए, तो फरमाया ऐ मेरे आदम यहाँ आए हैं, यहाँ के तकाजे अपने हैं, बहरहाल ये तीन रोजे रखा करो, इसके तसद्दुक में तू और तेरी औलाद में से जो ये तीन रोजे हर महीने 13, 14, 15 का रखेगा, मैं उनके जाहिर को भी पाक कर दूंगा, रोशन कर दूंगा, बातन को भी रोशन फरमा दूंगा। अब अगर एक आदमी ये रोजे रखता है और उनमें जुमा आ जाता है तो फिर जायज है, या जुमे रात और जुमा का रोजा मिलाकर रखता है तो जायज है। सोमवार और जुमे का रोजा ये हुजूर की तकरीबन मुस्तकिल सुन्नत है। आप हर पीर को रोजा रखते, पूछा गया या रसूलल्लाह वजह, फरमाया फी है बुलिद तो, इसमें मेरा मीलाद हुआ, मैं पैदा हुआ, वफी है उनजिला अलैया, और इसी दिन मुझ पर वही इलाही आई, उस शुक्राने में मैं रोजा रख, और हुजूर जुमरात को भी रोजा रखते थे, या रसूल आप जुमरात को रोजा रखते हैं, फरमाया हर हफ्ते में जुमरात शाम को बंदाए मोमिन का नामा आमाल रब की बारगाह में पेश होता है, मैं चाहता हूं मैं रोजे की आदत ही। तो आप रखा, अब अगर कोई आदमी सुन्नत पर अमल करता है, जुमे रात को रखा तो फिर जुमे को रख सकता है, लेकिन अकेला जुमे का रोजा रखने की इजाजत नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो बहरहाल ये चंदा माल है, इंशाल्लाह आइंदा जुमा मजीद इसी पर गुफ्तगू होगी कि जुमा के दिन कौन कौन से खास माल है जो करने की वजह से अल्लाह पाक हम पर खसूसी मेहरबानी करेगा और इस दिन की कदर करें। उलमा फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से बईद नहीं जो जुमा कदर से गुजारे, अल्लाह उसे मौत भी जुमे को अता कर। और जुमे की मौत के बारे में सही हदीस है, जो जुमे की रात या दिन में मर जाता है अल्लाह उसे अजाब कब्र से महफूज फरमा दे। तो बहुत बड़ी फजीलत है, इंशाअल्लाह मजीद इस पर बात जारी है कि ये एक रुका आया है
कि ये चार रकात सुन्नत में कोई ख़ास सूरतें मुतय्यन हैं, इस बारे में मेरी नज़र से कोई ख़ास सूरतें नहीं गुजरी, मज़ीद इंशाअल्लाह देखेंगे। बाज़ अहले ज़ौक होते हैं और ख़ुसूसन हुफ़्फ़ाज़ जो हैं उनको एहतमाम करना चाहिए कि जो सुन्नत हैं हुज़ूर की वो पढ़ें। आम आदमी की तो मजबूरी है। अब मैंने आपको रमज़ान में एक दिन बताया था कि वितर की पहली रकात में सूरत सब्बे हिस्म रब्बे कल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी में कुल शी पढ़ना, ये सरकार की अमूमी सुन्नत थी। अब जो हुफाज है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, तो कितना सादत मंद है वो इंसान जिसके हर दिन के वितर ही रसूलुल्लाह के ऐन सुन्नत के मुताबिक, तो ये तो सादत है। इसी तरह मैंने आपको बताया वितर के बाद फौरन हुज़ूर क्या पढ़ा करते थे, हम यहाँ रमजान में पढ़वाते रहे, अब पता नहीं याद है कि नहीं, जो ही वितर से हुज़ूर सलाम फेरते हुज़ूर तीन मरतबा पढ़ते सुबहान अल मलिक अल कुद्दूस, सुबहान अल मलिक अल कुद्दूस, सुबहान अल मलिक अल कुद्दूस। तो इस तरह अपने आप को हुजूर की सुन्नत के सांचे में डालें। हुजूर ने फरमाया जो मेरी सुन्नत पर जितना अमल करेगा क्यामत में मेरे साथ होगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।